So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be discussing the summary of Unit 4 of ICA, that is Indian Contract Act 1872. So let's get started. The promisor or his representative must perform unless the nature of the contract shows that it may perform by a third person, but the promisee may accept performance by a third party. ठीक है, या तो प्रोमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सकता है, या फिर अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है तो परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी की भी एक्सेप्ट हो सकती है एज पर सेक्शन 37-41. इन केस ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर ऑल मस्ट परफॉर्म एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम द सर्वाइवर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मस्ट परफॉर्म. ठीक है, अगर जॉइंट प्रोमिसर का केस है या फिर जॉइंट प्रोमिसर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो सारे प्रोमिसर्स मिलकर परफॉर्म करेंगे. अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सर्वाइविंग पार्टनर्स, बट देयर लाइबिलिटी इज ज्वाइंट एंड सेवरल. ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी आपकी हमेशा ही ज्वाइंट और सेवरल रहेगी. इफ द प्रोमिसी रिक्वायर्स एनी ऑफ देम टू परफॉर्म द होल प्रोमिस ही कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स. और अगर प्रोमिसी कहता है कि मैं सबसे नहीं सिर्फ तुमसे पैसे लूंगा, तो वो सिर्फ आपसे पैसे लेकर और आप बाकी सारे ज्वाइंट प्रोमिसर से वो पैसा ले सकते हैं एज पर सेक्शन 42-44. Joint promisee have only a joint right to claim performance. So this is the case of a joint contract. कि joint promises जो है वो performance भी joint right में ही कर सकते हैं. The promisor must offer to perform and such offer must be unconditional. जो promisor है उसे हमेशा offer to perform करना है जो कि unconditional होना चाहिए, proper time और proper place पर होना चाहिए, इस तरीके से कि promisee के पास एक reasonable opportunity हो inspection की जब चीजें deliver होती हैं as per section 38-50. If the performance consists of payment of money and there are several debts to be paid, this is the appropriation of payment. ठीक है, कि अगर आपकी एक performance है और आपको money की payment करना है और बहुत सारी डेट्स हैं, तो पेमेंट जो है वो एज पर द प्रोविजंस होगी फ्रॉम 59-61. जो डेटर है पेमेंट के टाइम पर वो बता सकता है कि आप इस पर्टिकुलर डेट से एडजस्ट कीजिए, अगर वो नहीं करता है तो आप डेट वाइज चलेंगे. ठीक है, लेकिन आप किसी भी डिस्प्यूटेड डेप उसे नहीं करेंगे या फिर जो टाइम बार डेट होती है आप उस पर उसको अप्लाई नहीं करेंगे पेमेंट को. इफ एन ऑफर टू परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड द प्रोमिसर इज नॉट रीजनेबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. अगर आप परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं लेकिन सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, सो दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप अपने राइट्स को लूज नहीं कर सकते. अगर आपको कोई डैमेज होता है उस रिफ्यूजल से या उस डिस्चार्ज से या उस ब्रीच से, तो आप उन डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, ही में और आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी आप सामने वाली पार्टी को स्यू कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 38-67. नाउ रिसेशन इज कम्युनिकेटेड एंड रिवोक्ड इन द सेम वे एज अ प्रॉमिस. जिस तरीके से एक प्रॉमिस का कम्युनिकेशन और रिवोकेशन होता है, उसी तरीके से रिसेशन का भी कम्युनिकेशन और रिवोकेशन होता है. द इफेक्ट टू डिस्पेंस विद फर्दर परफॉर्मेंस एंड टू रेंडर द पार्टी रिसाइंडिंग लायबल टू रिस्टोर एनी बेनिफिट ही मे हैव रिसीव्ड. रिसेशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले वाला वो डिस्चार्ज हो जाता है और अगर कोई बेनिफिट किसी पार्टी को मिलता है तो उसको उस बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़ता है एज पर सेक्शन 64-66. पार्टीज में एग्री टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और टू ऑल्टर इट और टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट. सो दिस इज द केस ऑफ नोवेशन, ऑल्ट्रेशन एंड रिसेशन. तो जो दोनों पार्टीज हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट की, वो या तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं, ऑल्टर कर सकती हैं या फिर कैंसिल कर सकती हैं, दैट इज रिसाइन कर सकती हैं. नाउ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 67. मीनिंग क्या होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस जब फुलफिल करते हैं तब आप परफॉर्म करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को. कितनी तरह की परफॉर्मेंस होती है? परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरी होती है टेंडर परफॉर्मेंस या फिर अटेंडेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी वो परफॉर्मेंस होती है जो एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है. अटेंडेड परफॉर्मेंस और टेंडर परफॉर्मेंस हमारी वो परफॉर्मेंस होती है जो आप तो परफॉर्म करते हैं, आप अटेम्प्ट करते हैं परफॉर्म करने की, लेकिन सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है. नाउ कंडीशन फॉर अ वैलिड ऑफ टेंडर परफॉर्मेंस दैट की अनकंडीशनल होनी चाहिए. आप परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन, प्रॉपर टाइम और प्लेस पर होनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए गुड्स को एग्जामिन करने की और पूरी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, आधी ऑब्लिगेशन आप परफॉर्म नहीं करेंगे. सो दीज आर द कंडीशन फॉर अ वैलिड टेंडर परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अब उसको कौन परफॉर्म करेगा? या तो प्रोमिसर खुद उसको परफॉर्म करेगा, अगर एजेंट है तो एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है अगर ऐसी कोई पर्सनल स्किल्स में इन्वॉल्व नहीं है. अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो है वो उसको परफॉर्म करेगा, और अगर कोई हमारी पर्सनल स्किल्स नहीं है तो एक थर्ड पर्सन भी परफॉर्मेंस कर सकता है और थर्ड परफॉर्मेंस परफॉर्म कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी. ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ लिया था.
आप ज्वाइंट प्रोमिसेस को आप कैसे फुलफिल करेंगे? ऑल ज्वाइंट प्रोमिसर्स आर लाइबल टू ज्वाइंटली एंड सेवरली, ये भी हमने पॉइंट में पढ़ा है. अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और बाकी के सर्वाइवर्स, और अगर प्रोमिसी ये कहता है कि वो सिर्फ एक पार्टी से पैसे लेगा, तो वो सिर्फ एक पार्टी से पैसे लेके और वो एक पार्टी जो है वो बाकी सारे ज्वाइंट प्रोमिसर से पैसा बाद में ले सकती है. If one of the joint promisors is released, he is responsible for the other joint promisor. ठीक है, अगर एक पार्टी कहती है कि ठीक है तुम मुझे पैसे मत दो लेकिन तुम्हारे बाकी के दो दोस्त देंगे, तो वो दो दोस्त पैसे लेकर आपसे दोबारा मांग सकते हैं. Now time, place and manner, या तो आप decided होगा, अगर decide नहीं होगा तो reasonable time होगा, और place business hours में होगी जो कि आपकी residence वाली place होती है under the business hours. ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ reciprocal promises. Reciprocal promises को आप कैसे परफॉर्म करेंगे? म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट होने चाहिए, उन्हें हम reciprocal promises बोलते हैं. म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, इफ द प्रोमिसर हु मस्ट परफॉर्म फेल्स टू परफॉर्म इट, ही कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द reciprocal promise. अगर सामने वाली पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है और आपको परफॉर्म करने के लिए कह रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है. वो म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट होते हैं, हर एक पार्टी को अपना कुछ ना कुछ जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है. ईच पार्टी मस्ट परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस और रेडीनेस टू परफॉर्म फॉर द अदर पार्टी. दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस की टेंशन के बगैर आपको अपना पार्ट हमेशा परफॉर्म करना है, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट होती है. तो इस वाले केस में दो, इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेज में हमारे तीन केस होते हैं. जब म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट होती है तो आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे, म्यूचुअल और डिपेंडेंट होती है तो आप साथ साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं या बाद में परफॉर्म कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट है तो आप हमेशा अपना पार्ट परफॉर्म करिए दूसरे की चिंता करे बिना. वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कम्प्लीट इन टाइम एंड टाइम इज असेंशियल, जब आप टाइम पर अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं और टाइम असेंशियल है, तो वो वॉइडेबल होता है जिसने टाइम पर परफॉर्म करा है या दूसरी पार्टी के लिए. अगर टाइम असेंशियल नहीं है तो वो वॉइडेबल नहीं है, आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल एक्ट का है तो वो वॉइड हो जाता है. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो द अदर थिंग्स इलीगल, फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिसेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट सेकंड इज अ वॉइंट एग्रीमेंट. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में अगर आपका एक पार्ट लीगल है और एक इलीगल है, तो लीगल वाला पार्ट इज अ वैलिड वन, बट इलीगल वाला पार्ट जो है वो वॉइड बन जाएगा. नाउ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट और एडजस्टमेंट और पेमेंट अगेंस्ट डेट, आप किस तरीके से पेमेंट का अप्रोप्रिएट करेंगे? सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बाय डेटर इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड ऑन दैट डेट. अगर डेटर बोल रहा है कि आप इस वाली डेट पर लगाइए, तो आप उस वाली डेट पर ही उसको अप्रोप्रिएट करेंगे. अगर डेटर नहीं बताता है तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से किसी भी लॉफुल डेट पर, अगर वो टाइम बार्ड भी है तो आप उस पर भी लगा सकते हैं. मान लेते हैं कि 3 साल पहले वाली डेट है और वो अब दे रहा है पैसे और उसने बताया नहीं है, तो आप उस 3 साल पहले वाली डेट पे भी लगा सकते हैं, बट आप डिस्प्यूटेड डेट पर नहीं लगाएंगे. बस अगर कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती है पेमेंट को, तो आप क्या करते हैं कि जिस तरीके से आपका पेमेंट हुआ होता है, आप टाइम वाइज उसको अप्रोप्रिएट करते जाते हैं. नाउ कॉन्ट्रैक्ट जो कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आता है इफ अ पार्टी म्यूचुअली एग्रीज टू सब्स्टिट्यूट, जिसमें नोवेशन वाला केस हो जाता है, न्यू वन और रिसाइंड एंड अल्टरनेट. तो नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. अगर प्रोमिसी आपकी परफॉर्मेंस को रिमिट कर देता है, तो भी आपको पहले वाला परफॉर्म को करने की जरूरत नहीं है. अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है और आप बेनिफिट्स रिस्टोर कर लेते हैं, तो आपको उस पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. अगर प्रोमिसी निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज कर लेता है परफॉर्मेंस को करने से, तो वो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. और अगर वो इलीगल है तो वो वॉइड है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ समरी ऑफ यूनिट 4 ऑफ ICA 1872. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.